दोस्तों सावधान, शादीशुदा महिलाएं इस दिन भूलकर भी अपने बाल कभी ना धोएं। खास तौर से सुहागिन महिलाएं हो जाएं सावधान। इस दिन बाल धोने से परिवार पर संकट आता है और आपकी संतान के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आपके पति की जान संकट में पड़ सकती है। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र में अनेकों परंपराओं को आज भी विशेष महत्व दिया जाता है। शादी विवाह और अंतिम संस्कारों के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी विद्यमान हैं जिनका अनुसरण हर भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती हैं। इसी क्रम में सुहागिन महिलाओं को भी कुछ काम करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें, बतौर उदाहरण हिंदू धर्म में दिन विशेष सुहागिन महिलाओं को बाल धोना निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधा आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो देर किस बात की, चलिए हम आपको बताते हैं कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बुधवार का दिन, विशेषकर कुबारी लड़कियों को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुबारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल धोने से कुबारी लड़कियों को बचना चाहिए। दोस्तों बृहस्पतिवार का दिन, यदि कोई सुहागिन महिला गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी गुरुवार के दिन बाल कभी नहीं धोना चाहिए और ना ही इस दिन नाखून बाल काटना चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा संकट आ सकता है। दोस्तों सोमवार का दिन, यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों पर या बेटों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। परिवार को जबरदस्त आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोना चाहिए। परिवार को मुसीबतों से बचाने के लिए आप इस नियम का पालन अवश्य करें। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है।